दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 9 सितंबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम ऑस्ट्रेलिया के चने का उत्पादन के ऊपर करेंगे चर्चा। गौरतलब है कि इस शानदार चने के दामों में शानदार तेजी की वजह से पूरा विश्व का ध्यान अब कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया पर हो गया है। आपको याद होगा लगभग 6 महीने पहले हमने सबसे पहले आपको चने में शानदार तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षर सत्य साबित हुआ था और उसकी कारण और वजह भी आपसे शेयर की थी कि जो उत्पादन के अनुमान थे उसके विपरीत चने का उत्पादन उस बहुत कम हुआ था और डिमांड चने की भारत में लगातार तेज गति से बढ़ी है। उन सबको देखते हुए और भारतीय अनुसंधान पद्धति के अनुसार वर्ष 2024 चने के लिए काफ़ी आशाजनक रहने की संभावना थी, उनका आकलन हमने आपको दिया था और चने के अंदर एक तरफा तेजी बनी हुई थी। दोस्तों अब चने के दामों की तेजी और मंदी का काफ़ी असर अंतर्राष्ट्रीय चने की फसलें विशेषकर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के ऊपर पड़ती है। आज के इस एपिसोड में हम ऑस्ट्रेलिया चने के ऊपर करेंगे चर्चा, साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन चने के भाव क्या चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। पूरा एपिसोड ध्यान से देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ साथ आपके इलाके में चने के क्या भाव है मंडी के वो भी लिखिएगा। साथ साथ हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो सकेगी, जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन कृषि विभाग के चने की फसल की रिपोर्ट की बात माने तो क्यूंसलैंड और न्यू साउथ वेल्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख चना उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं, शानदार बरसात और मौसम अनुकूल होने से फसल की यील्ड यानी में शानदार वृद्धि है और चने के मजबूत भावों के कारण चने की बुआई ऑस्ट्रेलिया में 171% की वृद्धि देखी गई थी और चने का उत्पादन 13 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है, जो पिछले साल के 5 लाख टन के मुकाबले काफ़ी अधिक है। दूसरी ओर मसूर की बुआई में 40,000 हेक्टेयर की वृद्धि है और उत्पादन 17 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। यदि हम देखें तो रबी के सीजन में चने की रिकॉर्ड बुआई होने की संभावना नज़र आ रही है। विदेशी आयात से सीजन के दौरान भावों में भारी कमी की संभावनाओं से समर्थन मूल्य पर सरकार की खरीदी और सीजन समाप्ति के बाद साल 2025 में सप्लाई बढ़ भी सकती है। इसी प्रकार ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया के क्यूंसलैंड में चने की बुआई 3,80,000 हेक्टेयर में हुई और उसका उत्पादन बढ़कर 6,40,000 टन होने का उम्मीद लगाई जा रही है। न्यू साउथ वेल्स में चने की बुआई बढ़कर 3,50,000 हेक्टेयर में होने के साथ उत्पादन 6,50,000 टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दूसरी ओर भारत के अंदर लगातार तेज बरसात के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि आपको याद होगा कि जून महीने में हमने दक्षिण पश्चिम मानसून का अग्रिम अनुमान देते हुए ये कहा था कि मौसम विभाग जुलाई के अंदर औसत से अधिक बरसात की बात कर रहा है, जबकि हमने कहा था जुलाई में औसत से कम बरसात हो सकती है और कुछ इलाकों में सूखे की स्थिति बन सकती है। वैसे ही कुछ देखने को मिला, लेकिन अगस्त और सितंबर में तेज़ बरसात होने की उम्मीद है और औसत से कहीं अधिक बरसात होगी, जिससे फसलों को कहीं जगह सकारात्मक और लेकिन अधिकतर जगह नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, ऐसे ही कुछ देखने को मिला। दोस्तों साउथ वेस्ट मानसून का अग्रिम अनुमान हमने आपको पहले भी दिया था, जो कि लगातार पिछले 5 सालों से हमारा अनुमान सही साबित हो रहा है। इस समय गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश में भारी बरसात से गोदामों में लगे कृषि उपज को भी परेशानियां देखने को मिल रही है और विशेषकर चने के माल को डंक लगने का अनुमान भी बढ़ रहा है, जिससे बिक्री बढ़ भी रही है। ऑस्ट्रेलिया का चना कंटेनर में मुंबई के लिए $835, मुद्रा के लिए नवंबर दिसंबर डिलीवरी के भाव $800 और तंजानिया का 15 अक्टूबर डिलीवरी वाला $840 प्रति टन के मूल्य के ऑफर किया जा रहा है। गौरतलब है कि डॉलर का जो भाव अब लगभग 83 रुपये 95 पैसे के आसपास चल रहा है और भारतीय बाजारों में चना मूल्य की तेजी को ब्रेक लगा हुआ है। अक्टूबर मध्य से कर्नाटक आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में खरीफ की फसलों की कटाई के साथ बुआई का काम प्रारंभ हो जाएगा और जनवरी तक नए माल की आवक चालू होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
गौरतलब है कि दक्षिण भारत के में मिलर्स की सामान्य खरीदे से चेन्नई के दामों में 100 से 200 रुपए तक की उतार चढ़ाव देखा गया, जिसमें आंध्र प्रदेश जेजे क्वालिटी चना ईरो डिलीवरी 100 रुपए घटकर 8000 रुपए और कर्नाटक लाइन का माल 8300 से 8350 रुपए एवं महाराष्ट्र लाइन का विरोधा डिलीवरी 8100 रुपए और कर्नाटक से 8150 रुपए के बाल पे भाव होने की व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर पिछले एक सप्ताह में लगभग 35 गाड़ियों की आवक के समाचार हैं और राजस्थान लाइन का चना 75 रुपये बढ़कर 7900 से 7925 रुपये बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश लाइन का चना दिल्ली लॉरेंस रोड पर 7875 रुपये के उच्चतम मूल्य पर व्यापार होने के समाचार हैं। इंदौर में देसी चना 7850, डॉलर चना 13500 से 15000, काबुली 40 से 42 काउंट 16500 रुपए और 42 से 44 काउंट 16200 और 44 से 46 काउंट 15900 रुपए के बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 3 से 5 गाड़ियों की आवक बताई जा रही है और मिल क्वालिटी के भाव 6500 से 7800, अन्नागिरी 6700 से 8000 रुपए बताया जा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में भाटापारा में 6800 से 7200 रुपए, राजस्थान के जोधपुर सुमेरपुर कोटा लाइन में 6500 से 7500 रुपए के भाव बताए जा रहे हैं। जयपुर में चने के भाव 7975, चना दाल 9025 से 9050 रुपए के ऊपर ट्रेड होने के समाचार सप्ताह के दौरान रहे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सभी जानकारियां आपके लिए ज्ञानवर्धक रहेगी और चने की आगे की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।